हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर रेस्पिरेशन, ओके। एंड टुडे लेट डिस्कस अबाउट द क्रैब साइकिल। देखिए बेटा, बिफोर दैट वी वर डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? तो अब क्या होता है, देखिए पाइरूविक एसिड के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जाए जिसके थ्रू वो क्रैब साइकिल में एंटर करेगा, इज दैट क्लियर, या फिर वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन प्रोसेस में कंटिन्यू करे। तो देखिए यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है वो यही कि पाइरूविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरह से प्रोसेसिंग करता है। तो सबसे पहले हमें जो प्रोसेस देखना है वो है दिस वन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में पाइरूविक एसिड गेट कंबाइंड विद द को एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इट मीन्स ये क्या करता है, पाइरूविक एसिड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ को एंजाइम के साथ कंबाइंड करेगा, ओके? और ये को एंजाइम के साथ जब कंबाइंड करेगा, देयर वी नीडेड फाइव मेन फैक्टर्स फॉर दैट और फॉर दिस रिएक्शन। वो फाइव मेन फैक्टर्स क्या है, वन इज NAD पॉजिटिव, ओके, विच लेटर ऑन गेट रिड्यूस्ड इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव, अनदर को एंजाइम A, ओके, थर्ड वन मैग्नीशियम आयन, फोर्थ वन लिपोइक एसिड, ओके, एंड फिफ्थ वन इज थायमिन पायरोफॉस्फेट। ये फाइव फैक्टर्स, व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ दीज फाइव फैक्टर्स पायरूविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? यानी यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स को एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनाएगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? टू मॉलिक्यूल्स। यानी जो पाइरूविक एसिड है उसमें क्या हुआ, व्हेन पाइरूविक एसिड शो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस ड्यूरिंग दिस पाइरूविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ओके। नाउ दिस वन है टू मॉलिक्यूल, बट हमने क्या है, एक साइकिल शो की है, यानी यहाँ पे हम सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए लेके चल रहे हैं, क्लियर है? ऐसे ही दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो सेम साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी, अंडरस्टैंड? तो देखिए यहाँ पे अब वो क्या रहा है, नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स इनटू द क्रैब साइकिल, ओके। सो अब डिस्कस करते हैं कि क्रैब साइकिल में क्या क्या प्रोसेसिंग होती है और किस तरह से ये कंटिन्यूसली पार्ट करती है, ओके। तो देखिए क्रैब साइकिल एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है एंड द नेम ऑफ दैट इज क्रैब, ओके। तो देखिए क्रैब ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था। मेन चीज क्या है, देखिए दैट साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके तीन नेम है, क्रैब साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज इसमें तीन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, एंड बिकॉज इसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है, ओके, तो दिस इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल ऑल्सो। लेट स्टार्ट और कंटिन्यू द क्रैब साइकिल। अब होता क्या है, देखिए सबसे पहले जो एसिटाइल कोएंजाइम टू कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है दैट गिव्स टू कार्बन मॉलिक्यूल्स टू द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपको याद होगा, हमने जो C4 साइकिल थी उसमें भी पढ़ा था कि फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट है C4 साइकिल का वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, जो कि चार कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ओके। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम अपने जो ऑक्सैलिक एसिड है उसको टू मॉलिक्यूल्स दे देता है और यहाँ पे 4+2 यानी मिलके फर्स्ट एक कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज नोन एज द सिट्रिक एसिड, ओके, जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, ओके। नाउ दिस सिट्रिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू, और क्रैब साइकिल का फर्स्ट स्टेप यही है, ओके, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटिक एसिड में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करके वो किस में कन्वर्ट होता है, सिस एकोनिटिक एसिड में। पहले हम समझ लेते हैं फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे इसको याद करने के लिए, ओके। देन एट द थर्ड स्टेप सिस एकोनिटिक एसिड
in the presence of aconitase converted into isocitric acid. Okay, and at this step, when isocitric acid get converted into oxalosuccinic acid, then in the presence of enzyme dehydrogenase, okay, in the presence of enzyme dehydrogenase, NAD positives get reduced into the NADH plus H positive. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH की फॉर्मेशन हो गई, यानी एक पावर है हमारे लिए जिसको हम ETS में जब मूव करवाएंगे तो ATP की फॉर्मेशन होगी. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ये मेन स्टेप आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से स्टेप के बीच में ऐसा हो रहा है. तो आइसोसिट्रिक एसिड से जब ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है. अब व्हेन ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी कार्बो ऑक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. क्लियर है? अब क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. देखिए ये चीज याद रखने की है क्योंकि ये अकेला एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन होते हैं. ओके, सो दिस इज द मेन, द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है. ओके, नाउ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे. डीहाइड्रोजिनेज में क्या होगा कि भाई जो आपके पास NAD पॉजिटिव है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द NADH प्लस H पॉजिटिव एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आल्सो रिलीज्ड हियर. क्लियर है? देखिए इसको समझिए, इसको समझने के क्या है, आपने पाइरुविक एसिड, एक पाइरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज करता है, एक उसने यहाँ रिलीज कर दिया, देन इट प्रोड्यूस्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए. एक एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल को रिलीज कर सकता है. क्यों? क्योंकि देखिए इसने 2 मॉलिक्यूल यहाँ दिए थे, हमें वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की जरूरत है जिसमें कि 4 कार्बन है, तो हमने एक CO2 यहाँ रिलीज कर दिया, दूसरा CO2 यहाँ रिलीज कर दिया. इज दैट क्लियर? तो व्हेन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इट रिड्यूस NAD पॉजिटिव इनटू द NADH प्लस H पॉजिटिव एंड रिलीज CO2. ओके, इन द नेक्स्ट एंड सिक्स्थ स्टेप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनिक एसिड, और ये थायोकाइनेज की प्रेजेंस में होता है. इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP और GTP. इज दैट क्लियर? क्योंकि 1 GTP इज इक्वल्स टू द 1 ATP, तो यहाँ पे जो GDP प्लस फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होकर एक GTP का प्रोडक्शन कर रहा है. हमारा मेन एम तो यही है क्रैब साइकिल के थ्रू कि हमें क्या करनी है, एनर्जी प्रोडक्शन करना है. ओके, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे. नेक्स्ट स्टेप में द सक्सिनिक एसिड विल कन्वर्टेड इनटू द फ्यूमेरिक एसिड. ओके, और यहाँ पे एक FADH2 की फॉर्मेशन हो रही है. 1 FAD पॉजिटिव गेट ड्यूस्ड इनटू द FADH2 पॉजिटिव. देखिए जिस तरह से 1 NADH प्लस H पॉजिटिव 3 ATPs की प्रोडक्शन करता है, वैसे 1 FADH2 2 ATPs की प्रोडक्शन करता है. इज दैट क्लियर? ओके, then fumaric acid get converted into the malic acid in the presence of fumarase enzyme. Okay, and when malic acid get back into the oxaloacetic acid. Okay, in the presence of dehydrogenase. देखिए ये प्रोसेस हम दो जगह पे और भी देख चुके हैं. वन इज हेयर डीहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे एक NADH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है, दूसरा यहाँ पे. ओके, थर्ड फिर से यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज, यानी NADH जो पॉजिटिव है दैट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द NADH प्लस H पॉजिटिव. ओके, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है. वापस सेम प्रोसेस होगा, एसिटाइल कोएंजाइम जो सेकंड मॉलिक्यूल है दैट गिव्स 2 मॉलिक्यूल टू द OAA, फॉर्मेशन ऑफ द सिट्रिक एसिड एंड साइकिल गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. इस तरह से 2 साइकिल होते हैं. तो देखिए फर्स्ट फॉर्म में हमने देखा कि पाइरुविक एसिड 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ऐसे सेकंड फॉर्म में भी वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. यानी कुल मिला के जो हमारा ग्लूकोज था उससे कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो गए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. इज दैट क्लियर? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो गए. ओके, तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा है. अब इसको क्या है, इसको हमें एक ट्रिक चाहिए हमारे पास, राइट और नॉट? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और इनको हम एक प्रॉपर वे से याद नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए देयर इज अ वन ट्रिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड.
cricket coach of India appoints smart staff for main office. Okay? ये एक trick बनाई गई है, देखिए citric acid for cricket, ऐसा ही नाम है इसका. तो आपको तो मेनली सी ध्यान में रखना है, क्रिकेट यहाँ पे आप आ जाइए कॉच. ओके एकोनेटिक्स, एकोनेटिक्स ऑफ द नेम शुड बी सिमिलर. ओके क्रिकेट कॉच ऑफ यहीं पे आ जाएगा इंडिया, यहाँ पे हम इंडिया ले लेंगे, क्रिकेट कॉच ऑफ इंडिया. देखिए ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड है, दैट इज समटाइम्स इन इन सम बुक इट शुड बी रिप्लेस्ड डायरेक्टली बाय द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. तो उसके लिए आप चाहे तो कोई वर्ड ले सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं. क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, अपॉइंट्स ओके स्मार्ट, स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस. ओके देखिए इसको समझिए बेटा, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. देखिए क्रिकेट तो सी फॉर सिट्रिक एसिड, इज दैट क्लियर. कॉच इस मीन्स सिस एकोनिटिक एसिड. ओके इंडिया, अब देखिए जहाँ पे भी आपको वर्ड एन दिखाई दे एन, तो आपको समझ लेना है वहाँ पे एक एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिया, इट मीन्स जब आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा इसमें अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में या ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड में. देखिए इस चीज को आपको रिमाइंड करना है बेटा, बिकॉज सब में क्या होता है डायरेक्टली हम इसको यहाँ पास ऑन कर देते हैं. ओके बट अगर आपको ये है तो आपको मिड वाला भी स्टेप पॉइंट आउट करना है. आइसोसिट्रिक एसिड जब कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड में तो एन ए डी प्लस एच पॉजिटिव की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, प्लस एक मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज हो रहा है, यानी डी हाइड्रोजिनेज और डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस दोनों एक साथ हो रहे हैं. ओके तो यहाँ पे इंडिया से आप याद रखेंगे N है, इट मीन्स यहाँ पे एक NADH पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है. देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के लिए हमने एक वर्ड दिया अपॉइंट्स, अल्फा ओके अपॉइंट्स. तो अपॉइंट्स में क्या है, एक और N है, यानी जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की एसिड का कन्वर्जन होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में तो फिर से यहाँ पे एक NADH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन वापस होगी. अंडरस्टैंड. उसके बाद क्या है देखिए स्मार्ट, तो देयर इज ए टी, टी को आपको ध्यान रखना है टी, इट मींस यहाँ पे जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक GTP या ATP की फॉर्मेशन होगी. ओके उसके बाद स्टाफ, तो देखिए यहाँ पे डबल F है. फॉर दिस वर्ड यू हैव टू बी रिमाइंडेड when succinic acid converted into the fumaric acid then formation of one FADH2 formation takes place here. Understand? And after that what happened? Here when fumaric acid converted into malic acid तो यहाँ पे फिर से main आ गया main office and it means again one NADH should be formed here. Is that clear? तो आपको ये चीजें remind करनी है. Understand? यानी आपको समझ में आ गया जब एक cycle एक molecule of acetyl coenzyme में use हो रहा है तो वहां पे कितने NADH की फॉर्मेशन हो रही है, थ्री. क्लियर है? ओके कितने GTP की फॉर्मेशन हो रही है, वन. और कितने FADH2 की फॉर्मेशन हो रही है, वन. अंडरस्टैंड. क्लियर है? यानी जब दूसरा मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A का आएगा तो यहाँ पे NADH कितने हो जाएंगे, सिक्स. GTP कितने हो जाएंगे, टू. और FADH2 कितना हो जाएंगे, 2. अंडरस्टैंड. सो ओवरऑल दिस इज अबाउट द क्रैब्स साइकिल एंड आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी. आपको मैंने ट्रिक भी बता दी है समझने की और याद करने की. ओके सो हैव ए गुड डे बेटा, बाय.